आपका हमारे वेब पेज jennyservices.com पे स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं जीएसटी ऑनलाइन पेमेंट कैसे करते हैं। तो प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हमारे वेब पेज पे आना है jennyservices.com पे। यहाँ पे हमने काफ़ी सारे यूजफुल लिंक्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे यूजफुल लिंक्स दिखेंगे। जीएसटी लॉगिन पे जाना है फिर आपको, और आपका लॉगिन कर लेना है। या आप बिना लॉगिन के भी कर सकते हैं, पर बेटर रहेगा आप लॉगिन कर लीजिए। तो ये मैंने लॉगिन किया मेरा। और यहाँ पे लॉगिन, अरे ओके, कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे, वो टाइप नहीं हुआ। और ये लॉग इन कर लिया हम लोगों ने। फिर यहाँ पे आपको क्रिएट चलन पे आना है। हाँ, यहाँ पे आपको आपका जो भी टैक्स रहेगा वो भरना। जैसे कि 100 रुपये मेरा टैक्स रहेगा तो मैं यहाँ पे 100 रुपया रखा। इंटरेस्ट कुछ रहेगा, पेनल्टी कुछ रहेगा, फीस रहेगा, अदर्स, ये आपका CGST का। IGST का भी रहेगा तो IGST का भी सेम, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस एंड अदर्स। सेल्स का भी सेम थिंग। और ये SGST, तो यहाँ पे मैंने 100 रुपये लिख दिया और मेरा बाकी कुछ नहीं है नहीं। तो ये भी सेम रहेगा, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस एंड अदर्स। फिर आपको यहाँ पे नीचे आना है। अगर आप ई पेमेंट करते हो तो आपको ई पेमेंट सिलेक्ट करना है। अगर आप NFT, RTGS कर रहे हो तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। या आप प्रिंट निकाल के बैंक में सबमिट कर रहे हो चलन, तो ओवर द काउंटर करके ये ऑप्शन है, ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं अभी आपको एक ई पेमेंट का बता देता हूँ। ई पेमेंट पे क्लिक करना है, फिर जनरेट चलन करना है, और फिर आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग ऑप्शन है, ये सिलेक्ट करना है। फिर आपका जो भी बैंक रहेगा वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मेरा अभी है एक्सिस बैंक है। और फिर यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करके और मेक पेमेंट। तो ये आपको अभी आपके नेट बैंकिंग पे ले गया। फिर आपको लॉग इन करके आपका पेमेंट करना है। ओके, तो दूसरा भी हम लोग देखते हैं कि क्रिएट चैलेंज जो रहता है, ओ सॉरी मैंने ये बंद कर दिया, मैं इसको वापस लॉगिन कर लेता हूँ GST वाला। हाँ, इसमें हम लोग देख लें कि क्रिएट NFT वाला कैसे करते हैं। तो क्रिएट चैलेंज पे आइए, यहाँ पे आप 100 रुपया भर दिया मैंने यहाँ पे, जो लास्ट टाइम जिसे दिखाया था वैसे ही हम लोग चैलेंज भर लेंगे। और NFT, RTGS, फिर आपको यहाँ पे आके सिर्फ आपका बैंक, जैसे अभी तो कोऑपरेटिव बैंक है मैंने सिलेक्ट कर लिया, क्रिएट चलन करना है। और फिर आपको ये डाउनलोड करना है और ये जाके बैंक में आपको सबमिट करना है। होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।